हम कोफ्ते का सालन बना रहे हैं। ये आधा किलो गोश्त है, 2 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच बादशाह मसाला, 1 चम्मच धनिया का मसाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच 1 चम्मच गरम मसाला टेस्ट के हिसाब से, नमक, हल्दी, खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, शाहजीरा और एक खोखला और प्याज। मसाला पीस हो चुका है, अब इसको हम पीस लेंगे, दो बार पीस लेंगे। ये 1 चम्मच मिर्ची डाले हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, 3 चुका है हमारा कीमा, थोड़ा हाथों पर तेल लगा के आप कोफ्ते बनाना है अपने हिसाब से बनाना है। मैं इतने शेप में बना रही है, सब बना के फाइनली सब बनाकर तैयार करना है, फिर उबाल कर उसका पानी सूखे तक उसको उबालना है। बन चुके हैं और उबाल फाइनली 5 मिनट हो चुके हैं हमारे, कोफ्ते उबल चुके हैं, थोड़ा ऐसा पानी है सूखा है, अब ये पानी सूखे तक और 2 से 3 मिनट उबाल। ये पानी सूख चुका है, हमारे कोफ्ते उबल चुके हैं, अब इसको उतारना है। उबल चुके हैं, अब एक इस करते इस कढ़ाई में तेल रखे, तेल गरम अच्छे तरीके से डुबाने से एक इस कोफ्ते डाले। ये आधे फ्राई हो चुके हैं हमारे कोफ्ते, कोफ्ते तल चुके हमारे, कोफ्ते को तल लेना अच्छे से तल लेना, पूरे कोफ्ते तलना हो चुका है हमारा, अब ग्रेवी बनाना है सालन को कोफ्ते के। भगोना रखे हैं, 3 से 4 चम्मच तेल डाले, गरम हो चुका है, इसमें खड़े मसाले डाले,
दालचीनी, लौंग, शाही जीरा, इलायची। अगर लहसुन का पेस्ट लहसुन लाल होकर भुनना है। फिर ये मसाला डाल देंगे खोपरे का और प्याज। एक चम्मच मिर्ची डालना है, एक चम्मच बादशाह मसाला, एक चम्मच धनिया का मसाला, एक चम्मच गरम मसाला, दो चम्मच आधा चम्मच हल्दी। इसे अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट। मसाला भून चुका है हमारा अच्छी तरीके से। अब इसमें इमली का पानी डाल दें। ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला भून चुका है हमारा। गाढ़ा पतला अपने हिसाब से रखना है। ये औसन देने का स्थान है इसको बनाए। कोफ्ते बना कर रखिए, कोफ्ते डालिए। पानी हमारा कोफ्ते का कारण बन चुका है। अपने हिसाब से गाढ़ा पतला पानी हमारा कोफ्ते का कारण बन चुका है। लगी लजीज कोफ्ते का सालन मटन का बन चुका है। दुआओं में याद रखना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताओ कि रेसिपी कैसी बनी।